नमस्कार दोस्तों। दोस्तों लोग ये गलती करते हैं कॉलम के ढलाई को लेकर के। अगर आप कॉलम का ढलाई प्रॉपर तरीके से नहीं किए हैं तो अब आगे दिक्कत क्या आ जाएगी उसका प्लास्टर करने में, प्लास्टर करने में और भी दिक्कत, क्योंकि अगर कॉलम प्रॉपर तरीके से ढलाई नहीं हुआ है, प्रॉपर जो है एकदम 90 डिग्री नहीं है, तो आपको जो है दूर से ही दिखेगा, प्लास्टर में भी मेकअप नहीं हो जाएगा। बहुत लोग का भी मिस्त्री लोग का ना तो प्लास्टर मेकअप कर लेंगे, 1 इंची 2 इंची हो जाएगा मेकअप, लेकिन जो है वो भी मेकअप होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जब आप ये वीडियो देखेंगे तो। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ मिस्टेक क्या हुआ, पहले मिस्टेक पे चलते हैं फिर उसके बाद सोल्यूशन, मतलब इसका जो है ऐसा नहीं कीजिएगा। तो मिस्टेक शुरू कहां से होता है, कॉलम का सटरिंग को लेकर के। कॉलम का सटरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, कभी कॉलम का सटरिंग जो है प्लम बॉब में नहीं रहेगा, टेढ़ा रहेगा, और यानी तो उसको चेक नहीं किया गया है कि कॉलम का सेटिंग प्रॉपर है कि नहीं, और ढलाई कर दिए और साइड सपोर्ट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं देने के वजह से जो है जिस समय कंक्रीट ढलाई करेंगे उस समय इधर उधर हिल जाता है, तो वो कॉलम क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। यानी तो कभी कभी क्या होगा, कहीं पर कॉलम फूल जाएगा, अगर प्रॉपर तरीके से जो है सटरिंग अच्छा से नहीं लगा है तो कॉलम ढलाई करेंगे कॉलम का बोर्ड जो है फूल जाएगा इसे, और जो बहुत तरह की दिक्कतें आपको जो यहाँ पे आएगी। आपको लगता होगा कि नहीं ये चीज़ तो समाधान हो जाएगा, जिस हिसाब से कॉलम जो ढलाई हुआ है और प्रॉपर सेफ साइज में नहीं है। देखिए, जो कॉलम अगर 9x9 इंची का कॉलम है तो उसका चारों साइड से 9x9 इंची मिलना चाहिए, और साथ ही जो है उसका जो है डायगोनल भी जो है मिलना चाहिए दोनों साइड का बराबर। तो अब बात कर लेते हैं कि अब इसको प्लास्टर को लेकर। पहला तो यहाँ पे आप देख रहे कॉलम जो मिस्टेक हुआ है ढलाई, ठीक है, प्रॉपर प्लम बॉब में नहीं है, 90 डिग्री सीधा में कोई भी फेस नहीं है, तो क्या पॉसिबल है इसका प्लास्टर जो सीधा हो पाएगा। तो कोशिश किया गया है, हमने बोले कि ठीक है, तो यहाँ पे प्लास्टर ऐसे तो कॉलम जो है प्रॉपर सीधा नहीं है होने की वजह से, अब यहाँ पे कोशिश किया गया कि कॉलम प्लास्टर जो पूरा 90 डिग्री में हो। तो अब देखिए कि ऊपर से ट्राई किया गया, तो बीच वाला जहां पे ज्वाइंट था, जैसे कॉलम ऐसे आया था फिर इधर घूम गया था, तो यहां पे कवर करने के लिए 2 इंच से भी ज्यादा प्लास्टर मांग रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसको कितनों कोशिश किया जाएगा प्लास्टर को ठीक करने, प्लास्टर से ठीक करने के लिए नहीं हो पाएगा। यहां पे भी देखिए 2 इंच प्लस जो है प्लास्टर जा रहा है, एक साइड तो पूरा 0-0 प्लास्टर लग रहा है, तब भी जो है कवर नहीं हो रहा और ना ही प्रॉपर पूरा सीधा में आ रहा है। और उससे क्या होगा कि अगर सीधा करने की कोशिश करेंगे ना, एक कॉलम का मोटाई आपको ज्यादा दिखेगा, एक कॉलम का मोटाई कम दिखेगा, जबकि है तीनों एक्चुअल एक ही की साइज का होना चाहिए 9x9 इंची का। तो ये गलतियां जो है होती है कहाँ से, जिस समय हम लोग कॉलम का सटरिंग करते हैं और ढलाई करते हैं और प्रॉपर प्लम बॉब में जो है ढलाई नहीं होने के वजह से जो है इस तरह के गलतियां होती हैं। तो मैंने बिग मिस्टेक किया, अगर कॉलम की प्रॉपर तरीके से ढलाई नहीं करेंगे तो फिर प्लास्टर में भी परेशानी होगी। अब यहाँ पे कितनों कोशिश ट्राई किया जा रहा है मैनेज करने का, तो वो जो है प्लास्टर मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो ये एक इशू है। तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान में लेके चलना है, और ये चीज तो इशू आपको तुम्हें कॉलम में बताया, बहुत जो है जो बिल्डिंग के अंदर कॉलम होता है वो भी जो है आरा तिरछा जाता है, वो भी प्रॉपर तरीके से जो है मतलब सीधा नहीं रहता है, तो उसको भी जब प्लास्टर में मेकअप करने की कोशिश किया जाता है तो वो तो हो नहीं पाता है, तो फिर जो है आपका दिखेगा पूरा आरा तिरछ दिखेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर, कॉलम इस हिसाब से, और हाँ हमेशा कॉलम जो है 90 डिग्री सीधा होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग का लोड उसके ऊपर आ सके। अब कभी कुछ पहला लिफ्ट ऐसा किया, दूसरा लिफ्ट अगर इस तरह से कर देंगे तो प्रॉपर तरीके से लोड कैरी भी नहीं कर पाएगा बिल्डिंग का, इन फ्यूचर में क्रैक व्रैक होने का भी चांस रहता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल वाक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अपन चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए उसको क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बस होता है, जब सिविल जब अपना कोई नया वीडियो अपने लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।